चलिए, वेलकम क्लास, वेलकम टू द यूनिफाइड एकेडमी चैनल। और आज हम यहाँ कुछ माइक्रोवेव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर में आपके डिप्लोमा एग्जाम में आ चुके हैं, यानी SBTE में जो आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है डोमिनेंट मोड इन कोएक्सियल केबल लाइन इज़, यानी कि कोएक्सियल केबल लाइन में डोमिनेंट मोड क्या होता है। ठीक है, तो डोमिनेंट मोड समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि मोड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव कितना होता है। मोड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव, मोड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कितना होता है। एक होता है TEM, दूसरा होता है TE, तीसरा होता है TM और चौथा होता है हाइब्रिड। ये इसका नाम इस तरह से क्यों पड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये सब है। अब है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक एंड हाइब्रिड। अब जैसे इसमें क्या होता है, ये ट्रांसवर्स है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो है वो ट्रांसवर्स है, यानी कि मोड ऑफ प्रोपोगेशन अगर मेरा जेड डायरेक्शन में है तो मेरा जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और मेरा जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में मेरा ये दोनों नहीं है। तो ये हो गया TEM। अब यहाँ पे ये TE है, यानी कि मेरा EZ जो है वो ज़ीरो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, लेकिन मैग्नेटिक के बारे में नहीं कुछ बोला है, यानी कि ये जो है ये ज़ीरो नहीं होगा। उसी तरीके से TM, तो यहाँ EZ ज़ीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ज़ीरो हो जाएगा, कहाँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में। हाइब्रिड में क्या होता है कि EZ भी ज़ीरो नहीं होता है और HZ भी ज़ीरो नहीं होता है। ये है मोड ऑफ प्रोपो, इस पर बहुत सारा सवाल आप लोग को आता है। अब इसमें जान लीजिए कि TEM जो है ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए TEM वेव जो होता है ट्रांसमिशन लाइन में डोमिनेंट मोड होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल क्या है, कोएक्सियल लाइन, तो यानी कि इसका आंसर जो है मेरा हो जाएगा TEM, क्योंकि ये कोएक्सियल लाइन क्या है, एक तरह का ट्रांसमिशन लाइन का ये एग्जांपल है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा TEM। और अगर वेवगाइड का बात करता, वेवगाइड में मेरा TEM वेव नहीं होता है, वेवगाइड में मेरा TEM वेव नहीं होता है, उसमें या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक या दोनों में कोई एक कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में रहता ही रहता है, कोई एक, यानी कि अगर TE है तो ये रहेगा, TEM है तो ये रहेगा, अगर दोनों है तो दोनों रहेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन रहता ही है वेवगाइड में, तो ये सब इसमें होता है, यानी वेवगाइड में TEM वेव नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मैजिक टी, तो जो मैजिक टी होता है उसमें ई प्लेन टी भी होता है, एच प्लेन टी भी होता है। ठीक है, मैजिक टी में ई प्लेन टी भी होता है और एच प्लेन टी भी होता है, तो ये दोनों प्लेन होता है, इसलिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा ई एच प्लेन। अब इसमें जो है मैजिक टी को मैजिक इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए एच पोर्ट से आप पावर दिए तो ये पोर्ट वन और पोर्ट टू पे जाएगा, लेकिन ई पोर्ट से पावर नहीं जाएगा, ई पोर्ट पे पावर नहीं जाएगा, इसीलिए इसको मैजिक बोला जाता है। जैसे और ये दोनों में पावर इन फेज रहेगा, उसी तरह से ई पोर्ट पे दीजिएगा तो वन और टू से जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा मतलब पावर, लेकिन एच पोर्ट पे नहीं जाएगा, यानी कि ई पोर्ट और एच पोर्ट आपस में क्या है, आइसोलेटेड है। इस पे भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि मैजिक टी में कौन कौन आइसोलेटेड है, तो ई प्लेन में एच पोर्ट और ई पोर्ट क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, इस पे भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैजिक टी को मैजिक टी इसलिए कहते हैं कि आप ई पोर्ट या एच पोर्ट दोनों से अगर हम पावर देते हैं तो पावर क्या होता है, वन और टू पे इक्वली डिवाइड होता है, इन फेज है या आउट ऑफ फेज है वो अलग बात है, लेकिन इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्शनल कपलर। अब डायरेक्शनल कपलर का थोड़ा सा देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया डायरेक्शनल कपलर, ये पोर्ट वन, पोर्ट टू, ये पोर्ट फोर, ये पोर्ट थ्री, ठीक है। ये मेरा डायरेक्शनल कपलर हो गया। और ये डायरेक्शनल कपलर में ये पोर्ट वन पे क्या होगा, इंसिडेंट पावर आएगा, यानी पीआई आएगा, इंसिडेंट पावर। पोर्ट टू पे क्या मिलेगा, रिसीव पावर। यहाँ पे हम पावर रिसीव करेंगे यानी पिया। और ये क्या है, कपलिंग होगा यहाँ पे, तो ये कपल्ड पोर्ट है, कपल्ड पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे कपलिंग होके आएगा, कितना कपलिंग होगा, ये उसका 20 dB कपलिंग। ये डायरेक्शनल कपलर 20 dB का है, 30 dB का है, यानी 20 dB हो गया तो पीआई जो यहाँ, ये जो कपल्ड मेरा पावर होगा, यानी कि जो फॉरवर्ड पावर होगा पीएफ, ये कितना हो जाएगा, अगर 20 डीबी है तो पीएफ कितना हो जाएगा, पीआई बाई 100 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। 30 डीबी है तो पीआई बाई 1000 हो जाएगा। ये मेरा कपल्ड पोर्ट यानी कि फॉरवर्ड पावर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बैक पावर, थ्री पे क्या होगा, बैक पावर, बैक पावर। तो यहाँ से ये फोर और थ्री के बीच में, यहाँ से यहाँ जो कपलिंग आया, यहाँ से कुछ बैक मारेगा, ठीक है। और ये सब के दौरान वन और थ्री क्या होगा, आइसोलेटेड होगा, वन और थ्री में कोई रिलेशन नहीं है। वन से गया तो टू पे मिलेगा और फोर पे मिलेगा, और फोर में प्रॉपर मैचिंग नहीं होने के कारण थ्री पे बैक मार देगा, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्शनल कपलर हो गया, ये एक डायरेक्शन के लिए कपलर हो गया, ठीक है। अब ये डायरेक्शनल कपलर में, यानी कि इसको, इस पोर्ट का नाम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पोर्ट, ठीक है। इस पोर्ट को कह देंगे आइसोलेटेड पोर्ट, थर्ड पोर्ट को। और ये इंसिडेंट पावर, ये इनपुट पोर्ट हो गया, ये इंसिडेंट पावर यहाँ पे आएगा, यानी ये हो गया इनपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट। ये हो गया रिसीव पावर, तो ये हो गया मेरा ट्रांसमिटेड पोर्ट, ट्रांसमिटेड पोर्ट। ये पोर्ट हो गया इनपुट पोर्ट, ट्रांसमिटेड पोर्ट, कपल्ड पोर्ट, आइसोलेटेड पोर्ट, ठीक है। अब जो है इसमें होता क्या है, यहाँ से आया 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 आया, हमको मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कपलिंग के दौरान यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शनल कपलर। अब पढ़ रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्शनल कपलर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, द परफॉर्मेंस जो है इसका तीन बातों पर डिफाइंड होता है, आई C, D, इस पे डिपेंड होता है, जहाँ पे C फॉर कपलिंग, D फॉर डायरेक्टिविटी और I फॉर आइसोलेशन फैक्टर। यानी कि कपलिंग जो है, एक ऐड कर देते हैं, कपलिंग मेरा है कपलिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा 10 log। अब कपलिंग किसके किसके बीच होगा, आपका इसके और इसके बीच, यानी PI by PF, कपलिंग मेरा हो जाएगा पी आई बाई पी एफ। और ये ऑलमोस्ट हम लोग चाहते हैं कपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब मेरे ऊपर है, हम कितना टाइम्स कम चाहते हैं, इंसिडेंट पावर का 1000वां टाइम्स चाहते हैं कि 100वां टाइम्स चाहते हैं कि 10th पार्ट चाहते हैं, इसके अनुसार ये कपलिंग होगा। सेकंड है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी क्या होता है, यहाँ से जो फॉरवर्ड आया ये पीछे कितना बैक मार रहा है, ये कितना बैक मार रहा है, ये हो गया डायरेक्टिविटी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको कह देंगे पी वी, ठीक है, पी वी।
तो डायरेक्टिविटी हो जाएगा 10 log PF by PB, ठीक है। इनपुट गया PF पे कितना आया, फिर ये इनपुट हो गया तो इस पे कितना आया, ये मेरा वांटेड है, ये हम लोग चाहते हैं ऐसा हो, ये मेरा अनवांटेड है, अनवांटेड है, यानी कि ये हम डायरेक्टिविटी हम चाहते हैं कि ऑलमोस्ट इन्फाइनाइट हो जाए, एकदम डायरेक्टिविटी हो ही नहीं, ठीक है। इसका वैल्यू मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीवी इसका हो जाए। उसी तरीके से है आइसोलेशन, तो आइसोलेशन कौन कौन पोर्ट है, पोर्ट 1 और पोर्ट 3, ये जो है पीआई और पीबी, ये जो है आइसोलेटेड पोर्ट है, ठीक है, आइसोलेटेड पोर्ट है, इसको क्या लिख देंगे पीआई बाय पीबी, ये आइसोलेटेड पोर्ट है, ये भी मेरा अनवांटेड है, ये मेरा हम लोग चाहते हैं कि आइसोलेशन सबसे ज़्यादा रहे, ठीक है, हम लोग इसको चाहते हैं कि ये आइसोलेशन मेरा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी आई बाई पी बी है, इसको क्या लिख सकते हैं पी आई बाई, यहाँ पे लिख दीजिए पी बी, यहाँ भी कर दीजिए पी एफ, यहाँ भी कर दीजिए पी एफ। अब ऐसे कर देंगे तो दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, तो लॉग लगाने से मेरा क्या इक्वेशन आ जाएगा, आई बराबर सी प्लस डी। हम लोग ये भी आइसोलेशन जो है अनवांटेड है, इसको भी हम लोग चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कपलिंग फैक्टर मेरा 20 डीबी है, ये अगर 60 डीबी है, तो मेरा आई कितना हो जाएगा सी प्लस डी, यानी कि 80 डीबी, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्मूला पे भी आपका एक सवाल बनता है। तो आइसोलेशन, डायरेक्टिविटी और कपलिंग फैक्टर, ये तीनों मेरा, ये तीन, इस तीन के टर्म में इसका परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ दो दिया है, कपलिंग फैक्टर और डायरेक्टिविटी दिया है, आइसोलेशन नहीं दिया है, तो ये दोनों मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शनल कपलर से कुछ और अगर सवाल बनेगा तो यही सब बनेगा, कौन सा पोर्ट होता है और ये सब क्या है, और ये बस यही डायरेक्शनल कपलर से इतना ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब ये एटेन्यूएटर क्या करता है, एटेन्यूएट कर देता है, कोई भी अगर वेव आ रहा है उसको एक लेवल तक हम लोग उसको एटेन्यूएट कर सकते हैं। मान लीजिए ये वेव है, इसको एटेन्यूएट करके इतना छोटा कर लेंगे, तो ये काम किसका होता है, एटेन्यूएटर का होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एटेन्यूएटर का टाइप, तो ये सारा टाइप ही है एटेन्यूएटर का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट है हॉर्न एंटीना, हॉर्न एंटीना जो होता है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हॉर्न एंटीना क्या होता है, इस तरह का एक एंटीना होता है, इसको ऐसे ऐसे करके फ्लेयर करके खोल दिए हैं। अब ये हॉर्न एंटीना का अपना कुछ प्रॉपर्टी भी है, इस प्रॉपर्टी पे सवाल आता है, तो इसको हॉर्न एंटीना का क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये जो हॉर्न एंटीना है, सबसे पहली बात ये नॉन रेजोनेंट एंटीना है, इसमें कोई ये रेजोनेंट वाला, जैसे जो क्लिस्ट्रॉन में जो बनाते थे उसमें क्या करते थे, कैविटी लेते थे, तो कैविटी क्या है, एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जो है ये हॉर्न एंटीना है, ये नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है, नॉन रेजोनेंट एलिमेंट से बना होता है, नॉन रेजोनेंट, रेजोनेंट होगा तो क्या होगा, रेजोनेंट होगा तो ऐसा होगा, और नॉन रेजोनेंट होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा। तो ये हो गया रेजोनेंट, ये हो गया नॉन रेजोनेंट, तो रेजोनेंट होगा तो क्या होगा, नीचे का ये बैंडविड्थ कम होगा, बैंडविड्थ कम होगा बट गेन ज़्यादा होगा। नॉन रेजोनेंट होगा तो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होगा, वाइड बैंड हो जाएगा, गेन थोड़ा कम रहेगा बट बैंडविड्थ मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो हॉर्न एंटीना होता है ये नॉन रेजोनेंट एलिमेंट है, नॉन रेजोनेंट एंटीना हो गया, तो यानी कि नॉन रेजोनेंट एंटीना है, तो नॉन रेजोनेंट एंटीना जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल ज़्यादा अच्छा होता है, और रेजोनेंट एंटीना बाई डायरेक्शनल ज़्यादा होता है, यानी कि इस तरह का इसका लोब बनेगा। ये अगर ये हो गया नॉन रेजोनेंट, जितना एंटीना होगा इसका लोब ऐसा बनेगा, और वही यूनिडायरेक्शनल एंटीना जो होगा इसका लोब ऐसा बनेगा, यानी इधर भी इमिट करेगा इधर भी इमिट करेगा, लेकिन ये जो है इधर इस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा छोड़ेगा, यानी यूनिडायरेक्शनल होगा नॉन रेजोनेंट, और बाई डायरेक्शनल होगा रेजोनेंट एंटीना, ठीक है।
चलिए ये एक बात हो गया, ये रेजोनेंट नॉन रेजोनेंट हम लोग समझ गए, तो इट कॉन्टेंस रेजोनेंट एलिमेंट ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन हम लोग का रहा ही नहीं। तो रेजोनेंट नॉन रेजोनेंट का भी हम लोग देख लिया क्या है, इस पर कुछ और भी सवाल बन सकता है हॉर्न एंटीना में, तो हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल का बात आए तो ये हॉर्न एंटीना जो है ये हाइजेंस प्रिंसिपल पर काम करता है, HUY। हाइजेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि एक प्राइमरी जो है वो वेव फ्रंट, फिर सेकेंडरी बन जाता है, फिर सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी बन के, मतलब ऐसे ऐसे करके इसके अलोंग फिर इसको पकड़ेगा, इसके अलोंग इसको पकड़ेगा, ऐसे करके करते हॉर्न एंटीना का जो वेव है आगे बढ़ेगा। तो ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल पूछ सक, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो प्रिंसिपल पूछेगा तो ये प्रिंसिपल बता देंगे। और इसको अपर्चर एंटीना भी कहते हैं, अपर्चर एंटीना में ये आ गया आपका माइक्रोस्ट्रिप आ गया, ये सब अपर्चर एंटीना है, अपर्चर एंटीना है। इसमें फ्लेयरिंग करते हैं, इसको ऐसे करके एक सर्टेन एंगल पे फ्लेयरिंग करते हैं, ठीक है, ये अपर्चर एंटीना हो गया। और इसमें पॉइंट हो सकता है कि इसका कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, तो 300 मेगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ तक ये काम करेगा, यानी ब्रॉडबैंड एंटीना है, 300 मेगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ तक ये काम करेगा हॉर्न एंटीना। और इसका क्या कर सकते हैं, इसमें जो डायरेक्टिविटी होता है, डायरेक्टिविटी जो है इसका हाई होता है, इसका डायरेक्टिविटी हाई होता है और डिफ्रैक्शन जो है डिफ्रैक्शन कम होता है हॉर्न एंटीना का। इस तरह से इसका फ्लेयरिंग ही हम करते हैं कि इसका डायरेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और डिफ्रैक्शन कम से कम हो, यानी डिफ्रैक्शन रिड्यूस डायरेक्टिविटी हाई। इस तरह से हम इसको खोलते हैं, इतना खोलेंगे कि इतना खोलेंगे कि इतना खोलेंगे कि इतना खोलेंगे, ये इसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब फ्लेयरिंग के कारण ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि जिसका इसका कितना ओपनिंग है, इस फ्लेयरिंग के कारण क्या होगा, फ्लेयरिंग के कारण एक और इसमें इस फ्लेयरिंग के कारण जो हम लोग खोल रहे हैं, फ्लेयरिंग जो हम लोग ओपन कर रहे हैं, इससे इट इम्प्रूव्स गेन, गेन इम्प्रूव होता है मेरा फ्लेयरिंग के कारण, मैचिंग होता है मेरा, जितना मैचिंग है ये इम्पिडेंस मैचिंग, इम्पिडेंस मैचिंग होता है। ठीक है, इम्पिडेंस मैचिंग होता है ये फ्लेयरिंग, मतलब कितना ओपन होगा, ये कितना ओपन होगा इस पे डिपेंड करा, ये फ्लेयरिंग पे गेन इस पे डिपेंड करेगा, मैचिंग इम्पिडेंस मैचिंग इस पे डिपेंड करेगा, और डिक्रीज साइड लोब, साइड लोब, यानी कि ये जो ऐसे आ रहा है यहाँ पे ये बड़ा सा ना होके ये जो साइड लोब है ये एकदम छोटा सा बनेगा, एकदम छोटा सा बनेगा, यानी कि डिक्रीज साइड लोब, ये फ्लेयरिंग का है। तो हम लोग एंगल को स्मॉल रखते हैं, स्मॉल फ्लेयरिंग एंगल लेते हैं ताकि डायरेक्टिविटी हाई हो, स्मॉल फ्लेयरिंग एंगल लेते हैं, यानी कि ये जो एंगल है ये स्मॉल लेते हैं ताकि डायरेक्टिविटी हाई हो और बीम विड्थ लो हो जाए, बीम विड्थ बैंडविड्थ नहीं, बीम विड्थ लो हो जाए। ऐसे भी डायरेक्टिविटी और बीम विड्थ क्या है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये जाके हॉर्न एंटीना का इतना प्रॉपर्टी हम लोग जाने। अब देखिए हॉर्न एंटीना में कह रहा है इट्स कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लेक्स, गलत बात है, इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर कैलिब्रेशन, तो पता होना चाहिए कि हॉर्न एंटीना जो है वो माइक्रोवेव बेंच पे यूज़ होता है, हम लोग किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो हॉर्न एंटीना को ही यूज़ करते हैं, यानी ये भी गलत। इट कॉन्टेन रेजोनेंट स्ट्रक्चर, पहले ही बता दिया नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर, तो ये भी गलत, तो आंसर मेरा हो जाएगा इट इज़ यूज फॉर गेन मेजरमेंट, ठीक है। ऐसे भी माइक्रोवेव बेंच पे हॉर्न एंटीना यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एटलीस्ट टू कैविटीज़। अब ये सवाल जो भी क्लिस्ट्रॉन में हम लोग ऐसे देखे थे स्ट्रक्चर, ये क्लिस्ट्रॉन का था, उसी तरीके से
इसमें टू कैविटी है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में एक कैविटी है, और टी डब्ल्यू टी में क्या होता है, इसमें भी यही होता है, बस यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्लो वेव स्ट्रक्चर कर देते हैं। ये हो गया क्लिस्ट्रॉन, ये हो गया टी डब्ल्यू टी, स्लो वेव स्ट्रक्चर कर देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं एटेन्यूएटर, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वापस आके फिर से ऑसिलेशन ना करा दे। टी डब्ल्यू टी और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन कैसा होता है, वन कैविटी होता है। ये हो गया रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, वन कैविटी होता है। तो यानी कि इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, ये आंसर है और ये आंसर है, ए और सी। अगर यहाँ पे ए और सी रहता तो ये सही रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन कन्वर्ट्स, तो ये हो जाएगा डीसी पावर इनटू माइक्रोवेव पावर। जो डीसी पावर होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम से जो पावर आ रहा है, उसी को ना, उसी से तो आरएफ सिग्नल को ये माइक्रोवेव पावर को ये जनरेट करता है। ये लोकल ऑसिलेटर की तरह यूज़ होता है, और पंप एम्पलीफायर में, पंप ये एम्पलीफायर में भी यूज़ होता है। यानी कि रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में हम लोग लिख सकते हैं कि ये लो पावर जनरेटर है, लो पावर जनरेटर है। लेकिन इसका लो पावर तो है, लेकिन इसका रिलायबिलिटी बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है इसका, इस ऑसिलेटर का। ये जो ऑसिलेटर है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, ये बहुत अच्छा स्टेबल ऑसिलेटर देता है। इसी के कारण इसको लोकल ऑसिलेटर ऑफ माइक्रोवेव रिसीवर यूज़ करते हैं, लोकल ऑसिलेटर ऑफ माइक्रोवेव रिसीवर। लोकल ऑसिलेटर ऑफ माइक्रोवेव रिसीवर एज ए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पंप एम्पलीफायर में भी यूज़ होता है, ठीक है। ये सॉरी पंप नहीं, पंपिंग के लिए यूज़ होता है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में, पंपिंग के लिए यूज़ होता है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में, ठीक है, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में यूज़ होता है। पैरामेट्रिक एम्पलीफायर अपने आप में एक माइक्रोवेव एम्पलीफायर है, उसमें भी रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन को हम लोग यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में, और इसका स्टेबिलिटी है होता है। और इट कन्वर्ट्स डीसी पावर को, डीसी पावर को किस में कन्वर्ट करता है, माइक्रोवेव पावर में, ठीक है। ये लोक क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का यूज़ हो गया। आपके अगर पॉइंट में यूज़ पूछेगा तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते थे, इट इज़ यूज्ड इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, इट इज़ यूज्ड एज लोकल ऑसिलेटर ऑफ माइक्रोवेव, इन माइक्रोवेव रिसीवर, लो पावर जनरेटर है, ये डीसी पावर को माइक्रोवेव पावर में कन्वर्ट करता है। ये सब यूज़ है लोकल रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एज एन ऑसिलेटर, क्या क्या काम करता है ये, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग को पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा सवाल, डैश इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ माइक्रोवेव ओवन। तो पहले का जो ओवन होता था उसमें मैग्नेट्रॉन यूज़ होता था, मैग्नेट्रॉन, ठीक है, मैग्नेट्रॉन बड़ा सा यूज़ होता था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टी डब्ल्यू टी। अब देखिए टी डब्ल्यू टी जो है, टी डब्ल्यू टी होता है वो होता, इसमें स्लो वेव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ताकि इंटरेक्शन टाइम जो है बिटवीन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम और आरएफ सिग्नल में बढ़ जाए, इसलिए हम लोग स्लो वेव स्ट्रक्चर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो स्लो वेव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो ये टी डब्ल्यू टी जो होता है इसमें हाई गेन लो नॉइज, इसमें गेन हाई होता है, हाई गेन लो नॉइज, और सबसे बड़ा बात वाइड बैंडविड्थ, ठीक है, इसमें वाइड बैंडविड्थ होता है। ये टी डब्ल्यू टी का, इसमें एटेन्यूएटर का यूज़ करते हैं ताकि ये प्रिवेंट करता है ऑसिलेशन होने से, क्योंकि एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, अब इसमें जो है ब्रॉडबैंड डिवाइस तो है, लो नॉइस फिगर भी लो नॉइस इसमें होता है, और इट रिक्वायर्स टू कैविटी। तो इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, हम अगर जाते तो ए और बी, ये डी मार देते हैं, क्योंकि इसमें टू कैविटी ही होता है टी डब्ल्यू टी में, तो वो भी सही है, इसी की ओर जाएंगे हम लोग, चलिए ठीक है। और टी डब्ल्यू टी जो होता है उसमें स्लो वेव स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है,
तो ये स्लो वेव स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, स्लो वेव स्ट्रक्चर, ये स्लो वेव स्ट्रक्चर क्यों डालते हैं टी डब्ल्यू टी में, ताकि यहाँ पे डाल देते हैं ताकि यहाँ से जो आर एफ इन दे रहा है ये जो आउट हो, ये आर एफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन बीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करे और उसका एम्प्लीफिकेशन हो सके। तो ये स्लो वेव स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन रेजोनेंट होता है, नॉन रेजोनेंट होता है, यानी कि जो मेरा क्लिस्ट्रॉन है, जो मेरा क्लिस्ट्रॉन रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन है, ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन ये सब मेरा, तो इसका ये होगा। और मेरा जो टी डब्ल्यू टी है ये मेरा नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा हो जाएगा, इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टी डब्ल्यू टी का थोड़ा बहुत ब्रशअप था, तो यहाँ से आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क्स इन एल एस ए मोड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गन डायोड। गन डायोड में दो तरह का मोड होता है, टी टी ट्रांजिट टाइम मोड और एल एस ए मोड। ठीक है, दो तरह का इसमें टाइम पीरियड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टनल डायोड, टनल डायोड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो टनल डायोड का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, टनल डायोड का स्ट्रक्चर जो है ऐसे होता है, ये हो गया टनल डायोड का स्ट्रक्चर। टनल डायोड में डोपिंग हाई होता है, टनल डायोड में डोपिंग को बहुत हाई रखते हैं, डोपिंग को हाई इसलिए रखते हैं कि उसका जो डिप्लीशन लेयर है, जो डिप्लीशन लेयर है ये कम से कम हो जाए, एकदम कम हो जाए डिप्लीशन लेयर, इसलिए हम लोग डोपिंग को हाई रखते हैं। ठीक है, तो इसमें डोपिंग हाई होता है। अब टनल डायोड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्विच यूज्ड एज स्विच एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, इतना तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, टनल डायोड में निगेटिव रेसिस्टेंस होता है, निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस है, निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस है टनल डायोड, निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस है, इसमें डोपिंग हाई होता है ताकि इसका डिप्लीशन लेयर कम से कम हो सके, ताकि इसमें न्यूटोनियन फिजिक्स ना लग के क्वांटम फिजिक्स लगे, इसमें टनलिंग हो जाए। ठीक है, यानी कि एक पहाड़ है, ये पहाड़ पे इस छोर से इस छोर आने में न्यूटोनियन फिजिक्स कहता है कि आप इस पर चढ़िए और चढ़ के उतरिए, ये हुआ है न्यूटोनियन फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स कहता है कि इसके अंदर से एक छेद करके चूहा की तरह यहाँ पहुँच जाइए, ये कहता है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो ये टनल डायोड में क्वांटम फिजिक्स लगता है। अब इसको टनल डायोड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए स्विच, एज एन एम्पलीफायर एंड एज एन ऑसिलेटर। उसके बाद है, ये फास्ट रिस्पॉन्स शो करता है, सो फास्ट रिस्पॉन्स, इसलिए इसको हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट की तरह यूज़ करते हैं, सो फास्ट रिस्पॉन्स, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, इसीलिए इसको हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट की तरह यूज़ करते हैं, यानी जहाँ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट की ज़रूरत है वहाँ टनल डायोड को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये बना होता है जर्मीनियम से, जर्मीनियम से बनता है, गैलियम आर्सेनाइड से बनता है, ये सब मटेरियल से ये बना होता है, और एक्ट एज लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, एक्ट एज लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ये टनल डायोड का है, थोड़ा सा ये ब्रशअप हो गया, ये टनल डायोड का ऐसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ से ये जो है नेगेटिव रेसिस्टेंस, इसी के बीच में हम लोग टनल डायोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें आंसर देखते हैं, तो ये इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखते हैं, इन वैरेक्टर डायोड विच, अब देखिए वैरेक्टर डायोड के बारे में पूछ रहा है, वैरेक्टर डायोड, तो वैरेक्टर डायोड का जो ये हो गया सी टी, यानी कि ट्रांजिशन ये कैपेसिटेंस इन पिको फैराड, और ये हो गया रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, इसका ग्राफ देखिएगा, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, यानी कि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे इसका कैपेसिटेंस घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग ऐसे इसका
रिवर्स, ये इसका इक्वेशन हो गया, यानी कि सी जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर माइनस एन। अगर ये हमको नहीं भी याद है वैरेक्टर डायोड का, तो हम लोग को पता है कि सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। ऐसे भी सी वन बाई वी ही होता है, यहाँ से भी बना कर सकते हैं, या सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, यानी कि दोनों प्लेट के, दोनों प्लेट में कितना डिस्टेंस है इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड किया। तो ये प्लेट क्या हो जाता है, यही तो हो जाता है वैरेक्टर डायोड में। पीएन जंक्शन लेते हैं, इसका डिप्लीशन लेयर इसके प्लेट का विड्थ की तरह काम करता है, डिप्लीशन लेयर इसके प्लेन के विड्थ की तरह काम करता है। अब वही डिप्लीशन लेयर को हम लोग घटाते बढ़ाते हैं अपना रिवर्स वोल्टेज दे के, और ये रिवर्स वोल्टेज देने के कारण क्या होता है, इसमें कैपेसिटेंस वैरी करता है। तो यही हुआ वैरेक्टर डायोड। अब वैरेक्टर डायोड जो होता है ये प्रोड्यूस लेस नॉइस, ये प्रोड्यूस करता है लेस नॉइस। इसको हटा देते हैं, प्रोड्यूसेस लेस नॉइस। वैरेक्टर डायोड जो है लेस नॉइस प्रोड्यूस करता है, ये लेस कॉस्टली होता है, लेस कॉस्ट, ये कॉस्टली एकदम नहीं होता है, मोर रिलायबल स्मॉल साइज, ये मोर रिलायबल है और इसका साइज भी स्मॉल होता है। अब देखिए इतना में से ये क्या पूछा है कि जंक्शन कैपेसिटेंस रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये तो ग्राफ से ही बन जाएगा ये सवाल, ये सवाल का डिक्रीज होगा, ठीक है, और तो इसमें कुछ सवाल ऐसा था नहीं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट ये इतना तरह का ये वैरेक्टर डायोड का थोड़ा सा ब्रशअप हो गया, उसमें से आपको जो सवाल आएगा अब आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा वैरेक्टर डायोड में से। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट डायोड का एफिशिएंसी पूछ रहा है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट क्या कीजिएगा, ये एकदम बुक का बुक से रख दिया गया है, और अगर नेट पे सर्च मारने जाइएगा तो ये 60% 3% ये पल्स का दिखाएगा 60% और 33% दिखाएगा कंटिन्यूस वेव का एफिशिएंसी, और ये आपको यहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि ये कुलकर्णी बुक से डायरेक्ट रखा हुआ है डेटा है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए 30% इम्पैक्ट डायोड का एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूछ रहा है, तो इसमें क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन है हम लिख देते हैं, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है कौन कौन है, ये है टनल डायोड, वही क्वांटम फिजिक्स जहाँ लगता है, मेजर या लेज़र जो भी कहिए, लेज़र इज अ टाइप ऑफ मेजरिंग, ये सब आपका क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पे न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं लगता है, यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स लगता है। तो अब जो है इसमें आंसर क्या है, सिर्फ एक ही है मेजर, टनल डायोड ऑप्शन में है नहीं, तो टनल डायोड होगा नहीं, ठीक है, ये क्वांटम इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, ये सब क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं, वेव गाइड एक्ट्स एज, तो जो वेव गाइड होता है उसमें टी ई या टी एम वेव होता है, ठीक है, तो ये जो है यानी कुछ दूर तक ये वेव गाइड कुछ दूर तक उस फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर देता है, और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद वेव गाइड से उतना फ्रीक्वेंसी का वेव पास करता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, नहीं कुछ दूर तक ये डोमिनेंट मोड हो जाए, यहाँ के नीचे जो है वो पास नहीं करने देगा और इससे ये पास कर जाएगा। तो ये किस तरह का फिल्टर है, ये हाई पास फिल्टर है। अगर लो पास फिल्टर का कैसा होता है फोटो, ये हो गया लो पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का कैसा होता है फोटो, सिर्फ एक सर्टेन बैंड को ही पास करने देता है, बैंड पास फिल्टर। तो इसमें जो होता है आपका वेवगाइड एक्ट एज हाई पास फिल्टर, वेवगाइड एक्ट एज हाई पास फिल्टर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ
TEM, अब हम इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि TEM में ई भी नहीं हो, ये बी आंसर हो जाएगा, दोनों नहीं होना चाहिए। यानी कि TEM है तो मेरा EZ भी जीरो होना चाहिए और M, सॉरी EZ भी जीरो होना चाहिए और मेरा SZ भी जीरो होना चाहिए, यानी दोनों जीरो, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा आंसर हो गया। यानी दोनों जीरो होना चाहिए, ये होगा, ठीक है, उल्टा बोल दिया। TEM है यानी कि EZ भी जीरो, HZ भी जीरो, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में दोनों नहीं रहना चाहिए। अगर नाम में दोनों है यानी दोनों जीरो है, TE है तो यानी कि EZ जीरो है, TM है यानी कि HZ जीरो है, यानी नाम में जो प्रेजेंट है, E प्रेजेंट है तो ये जीरो, M प्रेजेंट है तो जीरो, ट्रांसवर्स हो गया ना, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के वो मैग्नेटिक क्या है, ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री है, यानी उसके डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट जो है, अगर कोई भी चीज़ अगर 90 डिग्री पे हो जाता है तो उसका उस पर प्रोजेक्शन यानी डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। लेकिन अगर ट्रांसवर्स के अलावा कोई भी एक सर्टेन एंगल होता है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, हल्का सा भी अगर कोई और एंगल पे होता है तो इसका प्रोजेक्शन बनता, इसका प्रोजेक्शन बनता, तो ये प्रोजेक्शन बनता तो उसके कंपोनेंट, कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका आ ही जाता है, इसका दो कंपोनेंट टूटता ना, एक इधर और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, तो इसीलिए ट्रांसवर्स होगा तो उसका कोई प्रोजेक्शन नहीं आएगा, अगर 90 डिग्री पे होगा तो उसका प्रोजेक्शन जीरो, तो यही कह रहा है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के वो दोनों ट्रांसवर्स है तो यानी दोनों जीरो है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा तो कन्फ्यूज, अभी जैसे हम कंफ्यूज होते वैसे मत हो जाइएगा, ठीक है, ये ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, यानी रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कौन सा मोड एग्जिस्ट करता है, तो देखिए रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TE10 मोड होता है, डोमिनेंट मोड TE10, लेकिन रेक्टेंगुलर वेवगाइड में हाँ TE10 ये मोड होता है, इसी में TE20 होगा, TE11 होगा, TE21 होगा। अब देखिए इसमें जो है, अगर ये इस तरह का वेवगाइड है, यानी ये B है, ये A है, ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि A ग्रेटर देन B है, तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा TE10। लेकिन अगर वेवगाइड ऐसा हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, यानी कि बी ग्रेटर देन ए हो गया, अगर वेवगाइड ऐसे रख दिया जाए तो मेरा डोमिनेंट मोड बन जाएगा TE01। ये दोनों जो है ए और बी पे डिपेंड करता है, ये दोनों जो है ए और इसके लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड करता है, तो ये एक पर्टिकुलर केस है, हालांकि एग्ज़ाम में आना नहीं चाहिए लेकिन अगर आएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अब ये डोमिनेंट मोड तो दिया नहीं है, तो डोमिनेंट मोड दिया नहीं है तो मोड कैसे कैसे चलता है, तो सबसे पहले चलेगा TE10 यहाँ पे हो गया इस फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी है, फिर सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद आ जाएगा TE20, फिर आ जाएगा TE11, फिर सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आएगा TE21, तो इस तरह से हम लोग का TE21 इस तरीके से चलेगा, 10 20 11 21, तो यहाँ 11 है, ये डोमिनेंट हो गया यानी इधर का नहीं पास करने देगा,
ये सब पास कर जाएगा, यानी कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड में ये मोड डोमिनेंट है, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, इसके आगे वाला भी रहेगा, इसके इधर कुछ नहीं रहेगा। तो यही हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर VSWR। अब हम लोग ये इसका एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, VSWR जो होता है ये 1 से लेके इन्फानाइट तक जाता है VSWR, क्योंकि ये अब ये रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का वैल्यू जो है वो 0 से 1 लाई करता है, 0 से 1 लाई करेगा। तो जैसे ही ये 1 रखेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, और 0 रखेंगे, दोनों 0 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर S का वैल्यू 1 हो जाएगा जब इसका वैल्यू 0 रखेंगे, और S का वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगा जब इसका वैल्यू 1 रखेंगे। इसीलिए इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी इसका वैल्यू लाई करेगा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 से इन्फिनिटी लाई करेगा। चलिए ये एक सवाल बन गया, VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बोथ मैग्नीट्यूड और, अच्छा इसमें रिफ्लेक्टोमीटर भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, बोथ हो जाएगा, स्लॉटेड लाइन भी और रिफ्लेक्टर दोनों से करते हैं। नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो है उसका यूज रेडियो, जहाँ माइक्रोवेव मतलब हाई फ्रिक्वेंसी, रेडियो ब्रॉडकास्ट हाई फ्रिक्वेंसी पे हो रहा है, रिमोट सेंसिंग हाई फ्रिक्वेंसी, रडार हाई फ्रिक्वेंसी, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा गन डायोड, TED गन डायोड होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, अपर वैली और लोअर वैली में ट्रांसफ़र होता है। कैसे, एक मोटा लड़का जिसका कि मास ज़्यादा है लेकिन उसका मोबिलिटी कम है, ऊपर ऊपर और नीचे करते रहता है, यानी कि पतला लड़का उसका मास कम मोबिलिटी ज़्यादा, ठीक है, नीचे है, नीचे वाला वैली में है तो उसका मास कम मोबिलिटी ज़्यादा, ऊपर चला गया तो मास ज़्यादा मोबिलिटी कम, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ रिटर्न हो गया, इसीलिए ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस, ठीक है, तो ये गन डायोड में होता है। नेक्स्ट है, स्लो वेव स्ट्रक्चर में एटेन्यूएटर का यूज़ करते हैं ऑसिलेशन को रोकने के लिए, ऑसिलेशन हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो एम्पलीफिकेशन उसका चाहते हैं, ये ना कि इलेक्ट्रॉन वापस आके उसको ऑसिलेट करा दे, इसलिए इसको हम लोग एब्जॉर्ब कर देता है। अब देखिए, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब इज ए वाइड बैंड, हाँ वाइड बैंड होता है क्योंकि स्लो वेव स्ट्रक्चर नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, हेलिक्स स्लो वेव स्ट्रक्चर है, द फेज वेलोसिटी ऑफ इज कैन बी प्रोफाइल्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ, ये अलग है, ये अलग है, ये सही है, द फेज वेलोसिटी ऑफ द हेलिक्स इज कैन बी प्रोफाइल्ड, ये नहीं, ये गलत है, ये सिर्फ यही सही है। नेक्स्ट, द मेजर एडवांटेज ऑफ TWT ओवर क्लिस्ट्रॉन, तो बताए थे कि TWT क्या होता है, रेजोनेंट होता है, सॉरी क्लिस्ट्रॉन क्या होता है, रेजोनेंट होता है, और TWT क्या होता है, नॉन रेजोनेंट होता है, तो ये नॉन रेजोनेंट है तो इसीलिए इसका क्या होता है, इसका हायर बैंडविड्थ होता है, ठीक है, देख लीजिए फोटो से भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन द वेलोसिटी मॉडुलेशन, तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन कैसा होता है, ये मेरा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्टर से वापस आके इसमें देगा, तो यहाँ पे जो भी इसमें वेलोसिटी मॉडुलेशन होना है बस यही गैप में होना है, तो यानी कि अकर्स इन द रेजोनेटर गैप, यही गैप में होना है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का। एक मिनट, ये सही है, द फेज वेलोसिटी ऑफ हेलिक्स कैन बी प्रोफाइल्ड अलॉन्ग लेंथ, हाँ लेंथ ऑफ द हेलिक्स, हाँ फेज वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है, जितना हेलिक्स का लेंथ है यहीं पे फेज वेलोसिटी को हम लोग इसको कट करते हैं जानबूझ के उसको, ये भी सही है, ठीक है, इसीलिए इसके स्लो वेव स्ट्रक्चर है, इसका ए आंसर हो जाएगा कि ये करेक्ट है और ये इसका रीजन है। चलिए, इन हेलिक्स TWT एंड एटेन्यूएटर इज यूज, हाँ सही बात है, एटेन्यूएटर को यूज़ करते हैं, एटेन्यूएटर को यूज़ करते हैं ऑसिलेशन प्रिवेंट करने के लिए, ऑसिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ना कि बंचिंग को रोकने के लिए, ये सही है ये गलत है। TWT द हेलिक्स इज यूज विच ऑन
ये स्लो वेव स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स। हेलिक्स जो होता है वो स्लो वेव स्ट्रक्चर होता है, यानी कि RF वेव को स्लो करता है, उसको घुमाते रहता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दिया ताकि इलेक्ट्रॉन बीम के वेलोसिटी के वो बराबर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन माइक्रोवेव सोर्स ऑफ क्रॉस फील्ड। एक होता है क्रॉस फील्ड जो है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्रॉन में क्रॉस करता है, उसका स्ट्रक्चर से भी आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करता है ऐसे, और एक ऐसे होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो ये मैग्नेट्रॉन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक किस में है। तो निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस जो है, निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस कौन कौन है पहले देख लेते हैं। निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस, तो निगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस कौन कौन है, गन डायोड निगेटिव रेसिस्टेंस है। अभी हम लोग टनल डायोड देखे थे, टनल डायोड भी निगेटिव रेसिस्टेंस है। तीसरा आपका इम्पैक्ट डायोड भी निगेटिव रेसिस्टेंस है, इम्पैक्ट डायोड भी निगेटिव रेसिस्टेंस है। ये तीनों मेरा क्या है, निगेटिव रेसिस्टेंस है। अब आंसर जान रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, तीनों में से कुछ भी देता निगेटिव रेसिस्टेंस को हम लोग मार देते हैं। अब देखिए ड्रिफ्ट स्पेस कहाँ पे होता है, तो हम लोग ये हो गया बंचर कैविटी, और ये हो गया कैचर कैविटी, और ये दोनों के स्पेस को ही कहते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। तो ड्रिफ्ट स्पेस बिटवीन कैचर एंड बंचर कैविटी, ये सी ऑप्शन मेरा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के स्पेस को कहते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं, क्लिस्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ रहा है, ये भी किताब से डायरेक्ट है, 250 मेगाहर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़, ये हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज ओनली वन कैविटी, एक कैविटी किसमें यूज होता है, क्लिस्ट्रॉन में दो कैविटी, बंचर कैचर TWTB में दो कैविटी, जिसके बीच में हम लोग स्लो वेव स्ट्रक्चर रखते हैं, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, मेरा आंसर हो गया रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस हेलिक्स, हेलिक्स किसमें यूज होता है, स्लो वेव स्ट्रक्चर। हेलिक्स क्या है, स्लो वेव स्ट्रक्चर है, स्लो वेव स्ट्रक्चर। ये स्लो वेव स्ट्रक्चर क्या करता है, RF को इलेक्ट्रॉन बीम के वेलोसिटी के बराबर लाता है। ये कैसा है, स्लो वेव स्ट्रक्चर हो गया, यानी ये क्या हो गया, नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो गया, नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा TWT। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मैग्नेट्रॉन, तो मैग्नेट्रॉन के लिए ये क्रॉस फील्ड होता है, मैग्नेट्रॉन में भी हम लोग बताए हैं, मैग्नेट्रॉन में ये क्रॉस फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फील्ड होता है, और ये एज एन ऑसिलेटर यूज होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, मैग्नेट्रॉन एज एन ऑसिलेटर यूज होता है, और पहले का जितना भी ओवन था माइक्रोवेव ओवन उसमें मैग्नेट्रॉन ही यूज होता था। ठीक है, मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाई एन टाइप, ओनली एन टाइप। तो देखिए ओनली एन टाइप जो कर रहा है ना, इसमें जो गन डायोड होता है ना, गन डायोड को कहते हैं बल्क सेमीकंडक्टर। इसको बल्क सेमीकंडक्टर इसलिए कहते हैं कि ये जंक्शन लेस होता है, इसमें कोई जंक्शन नहीं होता है, और इसका बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी, इसको एन टाइप डोपिंग कर देते हैं, लेकिन वो एक ही मटेरियल से बना है, गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है, लेकिन वो बल्क होता है, इसमें कोई जंक्शन नहीं होता है, सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड, और उसको अच्छे करने के लिए इसमें एन टाइप डोपिंग कर देते हैं। तो ओनली एन टाइप कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा गन डायोड। चलिए नेक्स्ट, इम्पैक्ट डायोड, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ड्यू टू ट्रांजिट टाइम। तो इसमें जो है इम्पैक्ट डायोड, हम लोग को थोड़ा सा समझना चाहिए कि फेज डिफरेंस इम्पैक्ट डायोड में जो है, इम्पैक्ट डायोड में क्या होता है, ऐसा एक डायोड होता है ना, ये इंट्रिंसिक रीजन हो गया, यानी ड्रिफ्ट रीजन, इंट्रिंसिक या ड्रिफ्ट रीजन। अब अगर ये N+ है तो ये P+ है, और ये P हो जाएगा,
उसी तरीके से ये P प्लस है तो ये N प्लस हो जाएगा और ये N हो जाएगा। तो जैसे भी है ये इम्पैक्ट डायोड है, तो इम्पैक्ट डायोड में वोल्टेज और करंट के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे का 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, यानी नेगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस है। तो 90 डिग्री आता है ड्यू टू इस दोनों के बीच में क्या होगा, एवलेंच ब्रेकडाउन होगा, एवलेंच ब्रेकडाउन, एवलेंच ब्रेकडाउन के कारण 90 डिग्री, फर्दर 90 डिग्री मतलब यहाँ पे 90 डिग्री इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा और फर्दर यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये ट्रांजिट टाइम के कारण यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट इंट्रिंसिक स्पेस मतलब ये ड्रिफ्ट स्पेस है इसमें से आने के कारण इसमें फर्दर 90 डिग्री इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये 90 प्लस 90 180, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में इंपैक्ट डायोड में कितना का फेज डिफरेंस होगा, तो 180। ट्रांजिट टाइम इफेक्ट के कारण कितना होगा, तो ट्रांजिट टाइम इफेक्ट के कारण होगा 90 डिग्री और 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री एवलेंस के कारण भी होगा और टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये थोड़ा सा सवाल बनाने समय थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल है, देखिएगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव रेसिस्टेंस, तो नेगेटिव रेसिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टनल डायोड और गन डायोड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, नेगेटिव रेसिस्टेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन होता है नेगेटिव रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वायरेक्टर डायोड, वायरेक्टर डायोड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ यूज रिवर्स बायस कंडीशन, सही बात है, फॉरवर्ड बायस में नहीं होता है, इट इज़ यूज फॉर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन, ये भी सही है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो इसमें ए और सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग गैंग कैपेसिटर को यूज़ करते हैं ना रेडियो में, ताकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी को वो पकड़े, विविध भारती भी पकड़े, आकाशवाणी भी पकड़े, अलग अलग टाइप का पकड़े। चलिए, वेव गाइड सपोर्ट, तो वेव गाइड में TEM होता ही नहीं है, तो वेव गाइड में TEM नहीं होता है, लेकिन ये दोनों होता है, TM और TE मोड होता है वेव गाइड में। ठीक है, अब है ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी जो है वो आया है फेज वेलोसिटी, पहले जानते हैं फेज वेलोसिटी क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं ना साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ऐसा लिखते हैं, तो ये ओमेगा टी माइनस बीटा जेड को बराबर जीरो कर दीजिए, ये क्या हो गया, ओमेगा टी बराबर बीटा जेड हो गया, यानी जेड बाई टी क्या हो गया, ओमेगा बाई बीटा, जेड क्या है एक्स मतलब वो डिस्टेंस है, टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम को क्या कहते हैं वेलोसिटी, यानी कि फेज वेलोसिटी जो है, फेज वेलोसिटी ये हो गया ओमेगा बाई बीटा, ये हो गया फेज वेलोसिटी। और वेवगाइड में ये सवाल आ सकता है कि वेवगाइड में, इन वेवगाइड फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, फेज वेलोसिटी नॉट ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाता है, ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन फेज वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ लेना देना है ग्रुप वेलोसिटी से। तो वहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी बीटा, ये इसमें डी डिफ्रेंशिएट ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा ग्रुप वेलोसिटी, इससे लेना देना है। लेकिन वेवगाइड में फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एक एमसीक्यू यहाँ पे भी बनता है, बहुत बार ये एमसीक्यू आपका गेट में यूपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है कि वेवगाइड में फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, क्या होगा ऑप्शन, तो इसमें हमेशा फेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी को ग्रुप वेलोसिटी करना है तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट मोड फॉर TE इन सर्कुलर वेवगाइड, तो देखिए सर्कुलर वेवगाइड की जब बात आती है, सर्कुलर वेवगाइड की,
तो डोमिनेंट मोड हो जाता है। अभी हम बताए थे टी ई वन वन, ये किसके लिए? सर्कुलर, सर्कुलर वेवगाइड। लेकिन जैसे ही बात आएगी रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर वेवगाइड की, तो हम लोग जानते हैं टी ई, ये हो जाएगा टी ई, ये हो गया रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, ठीक है, टी ई 10। जबकि ए बड़ा हो बी से, हालांकि नॉर्मल जो 90% 99% केस में ए बड़ा ही होता है बी से, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर वेवगाइड का ये डोमिनेंट मोड। और सर्कुलर वेवगाइड होगा तो टी ई 11 हो जाएगा डोमिनेंट मोड। अब टी ई 11 होगा, और अगर टी एम की बात करें टी एम 01 ये डोमिनेंट मोड हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर वेवगाइड है तो टी ई 11 डोमिनेंट मोड, और रेक्टेंगुलर वेवगाइड है तो टी ई 10 वेव डोमिनेंट मोड। कब? जब ए ग्रेटर देन बी हो, यानी कि ऐसा ए ग्रेटर देन बी हो, 99% केस में यही होगा। तो ये दोनों हम लोग को, ये डेटा जो है, ये दोनों डेटा हम लोग को सर्कुलर रेक्टेंगुलर का याद रखना होगा एमसीक्यू बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एच प्लेन टी इज, एच प्लेन जो होता है ऐसे करके, ये जो हुआ ये पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 करंट वाला जो है ये 3 पोर्ट हो जाएगा। एच प्लेन टी कितना हो जाएगा? 3 पोर्ट हो जाएगा। और मैजिक टी 4 पोर्ट, मैजिक टी 4 पोर्ट, उसमें ई वाला भी आता है, ई और एच दोनों आता है। नेक्स्ट डायरेक्शनल कपलर इंसिडेंट पावर पी आई, इंसिडेंट पावर कहाँ दिए थे हम लोग? इस पर भी डिस्कस किए थे, पोर्ट 1 पे इंसिडेंट दिए थे, ठीक है, पोर्ट 1 पे इंसिडेंट दिए थे, पोर्ट 2 पे ट्रांसमिटेड पावर मिल रहा था, पोर्ट 3 पे बैक पावर मिल रहा था, और पोर्ट 4 पे फॉरवर्ड पावर या कपलिंग पावर मिल रहा था। ये हम लोग अभी हम लोग देख चुके हैं, पूरा डिटेल्स में हम लोग इसको देख चुके हैं। चलिए 48, हॉर्न एंटीना इज यूज्ड एज, हॉर्न एंटीना को एज ए ट्रांसमीटर भी यूज़ करते हैं एंड एज ए रिसीवर भी यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव बेंच पे जब देखिएगा तो माइक्रोवेव बेंच यूज़ होगा, यहाँ पे गूगल में सर्च मारिएगा माइक्रोवेव बेंच, तो मान लीजिए यहाँ पे गन डायोड दे दिया, गन डायोड के बाद फिर पिन डायोड, पिन डायोड के बाद यहाँ पे एटेन्यूएटर यूज़ होता है, एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर के बाद यहाँ पे यूज़ करेगा आपका फ्रीक्वेंसी वेव, वो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, फिर इसके बाद स्लॉटेड लाइन होगा यूज़ करने के लिए, यहाँ से फिर ये आपका हॉर्न एंटीना से भेज देगा, ये स्लॉटेड लाइन मेजरमेंट करने के लिए, ये CRO से कनेक्टेड होगा, अब यहाँ से ये भेज देगा हॉर्न एंटीना से, फिर यहाँ पे एक हॉर्न एंटीना लगाएगा ताकि इसको रिसीव करेगा, फिर इसको रिसीव करके अपना वैल्यू को देखेगा। तो ये हॉर्न एंटीना जो है ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, रिसीवर के लिए भी यूज़ होता है हॉर्न एंटीना, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका, हॉर्न एंटीना का दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीना इज ऑल्सो कॉल्ड डिश एंटीना, डिश एंटीना यानी कि हमारे घर पर जो छतरी लगा हुआ है, तो हमारे घर पे कैसा छतरी लगा हुआ है, कुछ इस तरह से छतरी लगा हुआ है, यानी पैराबोलिक एंटीना है, इसका भी ये डायरेक्टिविटी बहुत हाई होता है पैराबोलिक एंटीना का, ठीक है। पैराबोलिक को कैसे फीड देते हैं ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, कैसे ग्रेन फीड, कौन फीड। अब ये देखिए ये मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है, इस पर भी MCQ बनता है, ये क्या है डेल डी इक्वल टू रो, यानी कि करंट डेंसिटी, ये है आपका गॉस लॉ, ये जो मैक्सवेल है इस इक्वेशन में ये गॉस लॉ है, ये क्या है मैग्नेटिक, ये है मोनोपोल, यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लॉ है मोनोपोल नहीं हो सकता है, डेल बी जीरो, ये क्या है फराडे लॉ, फराडेज लॉ है, तो पूछ सकता है कि फराडे लॉ क्या है, तो यही आपको देना होगा। डेल एच यहाँ तक अगर है तो यहाँ तक है ये एम्पियर्स लॉ, यहाँ तक है एम्पियर्स लॉ, और ये एक्स्ट्रा जो है ये जो एक्स्ट्रा करंट जो ऐड हुआ तो इसको ये ऐड किया मैक्सवेल, यही इतना कंट्रीब्यूशन है मैक्सवेल का, ये एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ये ऐड किया, यानी कि यहाँ तक होगा तो ये हो गया एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ,
यानी कि एम्पियर्स लॉ में एक्स्ट्रा ये ऐड किया मैक्सवेल और चारों के एक जगह ले आया और इस चारों इक्वेशन को कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। देखिए यही इसका पॉइंट फॉर्म में ये दे दिया, यहाँ ई आ गया, डी नहीं है ई है, यहाँ एप्सिलॉन आ गया, यही आपको ध्यान देना है। ये इसका पॉइंट फॉर्म हो गया, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म हो गया मैक्सवेल का। अब देखिए ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी बैंड में कौन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी बैंड जब पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बैंड हम लोग पूरा देख लें, ऐसे होगा लकी सिंह सी एक्स रे कुक का, लकी सिंह का जो कुक था ना उसका हाथ टूट गया था तो उसका एक्सरे कराया था, लकी सिंह सी एक्सरे कुक का, लकी एल जो होगा इसका 1 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज़ तक होगा, ये 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ होगा, सी कहाँ से कहाँ तक होगा 4 से 8 गीगाहर्ट्ज़ होगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा 8, और 4 का आधा कितना होता है 8 का आधा कितना होता है 4, तो 8 का आधा 4 यानी 8 4 12 गीगाहर्ट्ज़ होगा, के KU ये कितना होगा 12 का आधा 6 18, 6 ऐड कर दीजिए आधा करके 8 में आधा करके ऐड कर दीजिए, यहाँ तक डबल चलेगा, 12 का आधा करके इसमें ऐड कर दीजिए 18 का आधा 9 ऐड कर दीजिए 27 गीगाहर्ट्ज़, और ये हो जाएगा 27 से 40 गीगाहर्ट्ज़। तो ये देखिए ये ऐसे करके आप ये फ्रीक्वेंसी बैंड अगर पूछता है एग्ज़ाम में तो ये लिख भी सकते हैं, डबल करते जाइए 1 2 2 4 4 8, फिर इसके बाद 8 का आधा 4 ऐड कर दीजिए, 12 का आधा 6 ऐड कर दीजिए, 18 का आधा 9 ऐड कर दीजिए, ऐसे करके ये फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें से ये आंसर खोजना सबसे आसान हो गया कौन कितना बड़ा छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैपिंग, स्ट्रैपिंग यूज़ करते हैं मैग्नेट्रॉन में, ये जो ऐसे ऐसे रहता है ना इसका जो मोड है ये कोई एक मोड छूट ना जाए, 0 पाई मोड जो आता है इसको यूज़ करने के लिए स्ट्रैपिंग करते हैं, बांध के रखते हैं, वो मेरे आप देखिएगा मेरे वीडियो में अच्छे से दिया हुआ है, तो स्ट्रैपिंग यूज़ करते हैं मैग्नेट्रॉन में। मैग्नेट्रॉन में कौन सा मोड यूज़ करेंगे इसके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लीनियर माइक्रोवेव ट्यूब। अब ये लीनियर और क्रॉस थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा देख लेंगे, तो माइक्रोवेव ट्यूब का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, माइक्रोवेव ट्यूब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो दो तरीके से किया गया है, ओ टाइप एम टाइप, ओ टाइप एम टाइप, इसी को कहते हैं लीनियर बीम ट्यूब, ओ टाइप को कहते हैं लीनियर बीम ट्यूब, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें पैरेलल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होता है, लीनियर हो लीनियर बीम ट्यूब है, यानी कि इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम और इलेक्ट्रॉन बीम और इसके कंपोनेंट के बीच में जो इंटरैक्शन है वो लीनियर होगा, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं क्रॉस फील्ड ट्यूब, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लिस्ट्रॉन TWT रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, इसका हो जाएगा मैग्नेट्रॉन, ये थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लिए। अब ये सवाल हम लोग बनाएंगे कि लीनियर टाइप कौन है, तो मेरा TWT और ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिटेल्स देख लिए तो ये हो जाएगा। अब देखिए गन डायोड कैन बी मेड फ्रॉम, हम अभी बताए थे गन डायोड कैसा होता है, GUNN होगा, गन डायोड कैसा होता है बल्क सेमीकंडक्टर से बना होता है, बल्क सेमीकंडक्टर यानी कि ये जंक्शन लेस होता है, जंक्शन लेस सेमीकंडक्टर, और इसमें सिर्फ डोपिंग करते हैं एन टाइप से इसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब यह है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैपेसिटर, ये वैरेक्टर डायोड हो जाएगा, अभी हम बताएं भी थे वैरेक्टर डायोड वेरिएबल कैपेसिटर भी कहते हैं इसको, वैरेक्टर डायोड को वेरिएबल कैपेसिटर। नेक्स्ट
विच आर द फॉलोइंग स्टेट ट्रू फॉर टनल डायोड। अभी टनल डायोड हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं डिटेल्स में, हेवीली डोप, नेगेटिव रेसिस्टेंस, तो ये आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट डायोड में अभी हम लोग देखे थे, ये यहाँ पे इंट्रिंसिक, यहाँ पे जो सेकंड वाला है ये हेवीली डोप नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। बाहर वाला हेवीली डोप एनपी, और इसका अपोजिट वाला यहाँ पे जो है हेवीली डोप नहीं होगा, क्योंकि हेवीली डोप जो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे फिर आपका जेनर ब्रेकडाउन होने लगेगा। हम जेनर ब्रेकडाउन नहीं चाहते हैं, एवलेंच ब्रेकडाउन चाहते हैं, जिसके कारण 90 डिग्री शिफ्ट आए। ठीक है, तो इम्पैक्ट डायोड में ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आ गया कॉमन वेवगाइड शेप कैन बी, तो वेवगाइड का शेप जो है वो सर्कुलर वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, इलेप्टिकल वेवगाइड, ये सब कॉमन शेप है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। टी मोड अभी हम लोग बहुत बार इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ई में क्या होगा कि ई जीरो हो जाएगा, एच जेड जीरो नहीं होगा, ये बहुत बार डिस्कस हो गया है। डैश जंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड शंट जंक्शन, शंट या करंट जंक्शन को कहते हैं एच प्लेन को, और सीरीज या वोल्टेज जंक्शन करते हैं ई प्लेन को, यानी कि ई प्लेन को कहते हैं सीरीज जंक्शन या वोल्टेज जंक्शन, और एच प्लेन को कहते हैं करंट जंक्शन या शंट जंक्शन। ये क्लास में भी देख चुके हैं बहुत बार। अब डायरेक्शनल कपलर जो होता है वो फोर पोर्ट डिवाइस होता है, ये शुरू में ही देख लिए हैं। विच ऑफ द एग्जांपल नॉन रेजोनेंट एंटीना, तो नॉन रेजोनेंट हम लोग जानते हैं, नॉन रेजोनेंट क्या है, हॉर्न, पैराबोलिक स्लॉट, ये सब क्या है, नॉन रेजोनेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल, मैक्सवेल अभी हम लोग दिखा चुके हैं। नेक्स्ट है ग्रुप वेलोसिटी, अभी हो चुका है ग्रुप वेलोसिटी भी। डोमिनेंट मोड कौन सा होगा, तो डोमिनेंट मोड टी 10 होगा। ठीक है, कब, जबकि रिक्टेंगुलर होगा तब। ये क्वेश्चन अधूरा है, अगर ये सर्कुलर वेव गाइड देता है तो टी 11 आंसर होता, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। इस क्वेश्चन जो फॉर्म करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने से विरोधाभास होता है। हाँ, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय, तो ये सब दो तीन मेथड आप लोगों को पढ़ना भी है, रिफ्लेक्टोमीटर, वेव मेथड, स्लॉटेड लाइन मेथड, VSWR से, ये सब इससे हम लोग मेजर करते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन में ये जो होता है ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस शो करता है उसका, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब VSWR क्या होता है, VSWR जो होता है वो वी मैक्स बाय वी मीन होता है, VSWR। ठीक है, और VSWR हम लोग स्लॉटेड लाइन से भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या होता है, 1+ रिफ्लेक्ट, ये हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशियंट टाउ, 1+ टाउ, 1-टाउ, ये VSWR का फार्मूला हो गया। फराडे लॉ, तो फराडे लॉ ये हो जाएगा, फराडे लॉ ये हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। चलिए, इतना था हम लोग का, ये इतना ऑब्जेक्टिव हम लोग लगभग 68 ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव बढ़िया से 20 में 20 बनाइए। थैंक यू।